यादव हमारे फिर से हाँ समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। नेताजी की समाधि पे पहुंचे हैं डिंपल यादव की बड़ी जीत के साथ, बात करते हैं उनसे। और सर आज बड़ी जीत हासिल हुई है, किसको जाता है पूरा श्रेय? स्वाभाविक तौर पे हमारी नवनिर्वाचित सांसद रानी डिंपल जी ने भी इस जीत का पूरा श्रेय जहाँ मैनपुरी को जनता को दिया, वहीं ये जीत नेताजी को समर्पित की है। और मैं सोचता हूँ मैनपुरी के लोगों ने मानी डिंपल जी को जिता के सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। जिस तरह से चुनाव हुए हैं, आप लोगों को लग रहा था कि इतने बड़े अंतर से जीत होगी, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार? बिल्कुल उम्मीद से ऊपर लोगों ने जिताया है, और इतना अत्याचार ना होता तो शायद ये लीड 5 लाख तक जाती, क्योंकि लगातार परसेंटेज रोकने का षड्यंत्र हुआ है। जितने इंपॉर्टेंट वर्कर थे उनको जेल भेजना, दबाव बनाना, घरों में नहीं सो पाए लोग, खुल के प्रचार नहीं कर पाए लोग, बहुत सारी परेशानियों के सामना करने के बाद जहाँ इतनी बड़ी जीत दी है, मैंने शब्द नहीं है किन शब्दों के साथ आभार व्यक्त करूँ अपने साथियों का, अपने कार्यकर्ताओं का और मैनपुरी के लोगों का। शिवपाल जी जो है वो अब समाजवादी हो गए हैं, समाजवादी पार्टी का झंडा लग गया उनकी गाड़ी में, समाजवादी ट्विटर पे लिख दिया उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे तो अब इसको किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक परिवार में राजनीतिक दूरियां रही हैं? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा राजनीतिक दूरियां ज़रूर कुछ मुद्दों पर रहीं, लेकिन पारिवारिक तौर पर एक थे, वो कभी दूरी नहीं बढ़ी। और मुझे खुशी है कि आज पारिवारिक और राजनीतिक दोनों ही और हर परिस्थिति के लिए, सुख के लिए दुख के लिए सब लोग साथ खड़े हैं। जहाँ चाचा की तारीफ में योगी जी बड़े कसीदे पढ़ते थे विधानसभा के अंदर और बहुत हमदर्दी जताते थे, लेकिन जैसे ही चाचा जी ने फैसला लिया मानी डिंपल जी के साथ खड़े होने का, क्या क्या चीज़ें फैसले हो चुके हैं वो सब जानता है, पूरा देश जानता है। लेकिन इन बातों से आप परिवार की एकता, पार्टी की एकता, पार्टी की मजबूती, माननीय अखिलेश यादव जी के लीडरशिप में चट्टान की तरह पूरी की पूरी पार्टी खड़ी है, किसी तरह की कोई बात आ नहीं सकती बीच में। और जो जिम्मेदारी दी है प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने की, उस पर हम लोग सफल होंगे 24 में। एक सवाल ये था कि आपने मैनपुरी जीता, आपने खतौली जीता, लेकिन रामपुर आपके हाथ से निकल गया, जो आपका आजम खां का गढ़ हुआ है माना जाता है। हाथ से निकला नहीं है, रामपुर में डकैती डाली गई है, डकैती वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, वोटों की डकैती पड़ी है, काउंटिंग में डकैती पड़ी है, जहाँ लोगों को परेशान किया गया। महिलाओं की वीडियो अगर आपने देखी होंगी किस तरह से दबाए गए लोग, घरों के अंदर तक लाठीचार्ज चले, फिर 20वें राउंड से 27वें राउंड तक रामपुर में क्या हुआ जरा भाजपा वालों से पूछना, जहां हमारे उम्मीदवार आगे चल रहे थे और 27वें राउंड तक मीडिया बाहर थी, सारे इंटरनेट बंद थे, सब जितनी भी ट्रांसपेरेंसी की चीज़ें संभव थी सारी बंद करके जो हराए गए, मैं कह रहा हूँ डकैती डाली गई उस सीट, वो हारी नहीं है। और अगर माननीय न्यायालय की तरफ हमारे उम्मीदवार और माननीय आजम साहब जाएंगे तो मुझे लग रहा है उन पर कार्रवाई भी होगी लोगों पर। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना धर्मेंद्र यादव जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और मुलायम सिंह यादव की काफ़ी शबाहत रखते हैं अपने चेहरे पर, उन्होंने कहा कि रामपुर में वोटों की डकैती डाली गई है, शायद यही वजह रही है कि आजम खां इस बार जो है वो चुनाव नहीं जीत सके हैं और हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे। कैमरामैन अमीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। कैमरामैन अमीश।